दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों रशिया ने उनका एक नया सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट अनाउंस किया है। स्कोई एयरक्राफ्ट डिजाइन ब्यूरो ने एक ऐसे सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 18 टन के करीब होगा। ये हमारे तेजस मार्क टू और ग्रिपन ई एयरक्राफ्ट की वेट क्लास का एयरक्राफ्ट होने वाला है। हमारा तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट भी 17.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट होगा और वहीं साब का ग्रिपन ई 16.5 टन के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाला एयरक्राफ्ट है। ये इतनी वेट कैटेगरी में पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है और इसे मीडियम वेट एयरक्राफ्ट का नाम दिया जा रहा है। स्कोई का प्लान है कि वो इस एयरक्राफ्ट में इस दलाई 30 इंजन का इस्तेमाल करेंगे जो कि स्कोई 57 प्रोग्राम के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके बारे में ऐसी जानकारी है कि इसका जो थ्रस्ट होगा वो 180 kN का होगा जो कि इस क्लास में सबसे ज़्यादा होने वाला है। अगर ये रिपोर्ट सच्ची होती हैं तो ये इंजन इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। तेजस मार्क टू और ग्रिपन ई दोनों ही जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन से पावर किए जाते हैं। ये इंजन 98 kN का थ्रस्ट जनरेट करते हैं और अभी तक ये अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा बेस्ट इंजन माने जाते थे। जो इस दलाई 30 इंजन है वो थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल नोजल्स के साथ भी आता है और ये टेक्नोलॉजी भी इस क्लास में पहली बार देखी गई है। इस एयरक्राफ्ट के जो डिज़ाइन लीक किए गए हैं उससे ऐसा पता चलता है कि जो इसका इंटरनल वेपन बे है वो काफ़ी छोटा होने वाला है और जो इसका ज़्यादातर हैवी पेलोड होगा वो इसके बाहर के एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के ऊपर कैरी किया जाएगा जिससे इसकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो जाएगी। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये नॉन स्टेल्थ मिशंस करेगा। जो F-35 एयरक्राफ्ट है उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 31 टन्स का है और उसका जो इंटरनल वेपन बे है वो काफ़ी बड़ा है और वो कम से कम 4 AM रैम मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। लेकिन जो सुखोई का 18 टन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा उसके पास इतनी स्पेस नहीं होगी और ये एयरक्राफ्ट 4 R-77 बियॉन्ड विजुअल रेंज A2 मिसाइल्स को इंटरनली कैरी नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें स्पेस की काफ़ी कमी होगी। जो F-35 एयरक्राफ्ट है वो 190 kN के थ्रस्ट वाला इंजन इस्तेमाल करता है लेकिन जो सुखोई का 18 टन का एयरक्राफ्ट होगा वो 180 kN का थ्रस्ट वाला इंजन इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए इसके इंजन को लेकर काफ़ी डिबेट चल रही है कि क्या इतने कम वजन वाले एयरक्राफ्ट के लिए इतना बड़ा इंजन सही है या नहीं। यही कारण है कि ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कम थ्रस्ट वाले इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ग्रिपन ई एयरक्राफ्ट है वो अपनी सुपीरियर इलेक्ट्रॉनिक मास्किंग टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अपने रडार सिग्नेचर को कम करने की कोशिश करेगा और वहीं जो हमारा तेजस मार्क टू एयरक्राफ्ट होगा वो इम्प्रूव्ड कंपोजिट पैनल्स का इस्तेमाल करेगा जिससे उसका फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन इन दोनों एयरक्राफ्ट को ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर क्लासीफाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि ना तो इनमें इंटरनल वेपन बे है और ना ही इनका डिज़ाइन एक पूरी तरह प्योर स्टेल्थी एयरक्राफ्ट जैसा है। चाहे कितनी भी कोशिश इन दोनों एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक और कंपोजिट मटेरियल्स लगाकर इनके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की कर ली जाए लेकिन ये एक प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। यही कारण है कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट पूरी तरह शुरू से डेवलप करने की ज़रूरत है और सुखोई यही काम कर रहा है। वो ये एयरक्राफ्ट उन कस्टमर्स को पेश करेगा जो कि अपने MiG-29 और F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को अगले कुछ सालों में रिटायर करने का प्लान कर रहे हैं। और क्योंकि उनका जो सुखोई 57 एयरक्राफ्ट था वो काफ़ी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है तो ये उनका नया 18 टन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एक सस्ते सिंगल इंजन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मार्केट के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तेजस मार्क टू और ग्रिपन ई अभी इकलौते ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20 टन से कम है और जो अभी प्रोडक्शन में एंटर हो रहे हैं और इनको नया डिज़ाइन समझा जाता है। लेकिन अगर सुखोई अपने 18 टन का नया एयरक्राफ्ट बना लेती है तो इन दोनों एयरक्राफ्ट के लिए जो मार्केट पोटेंशियल है वो काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब सुखोई इन एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है वो काफ़ी कम रखने में कामयाब हो जाए। अभी जो F-35 एयरक्राफ्ट है वो एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है लेकिन उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो सुखोई का एयरक्राफ्ट होगा वो सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट तो होगा लेकिन उसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो काफ़ी हल्का होगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि ये एयरक्राफ्ट F-35 एयरक्राफ्ट के मुकाबले में काफ़ी सस्ता होगा। इसके 180 kN थ्रस्ट वाले इंजन के बारे में अगर हम बात करें तो इतने पावरफुल इंजन का इसमें इस्तेमाल करना एक बात में इसलिए लॉजिकल हो सकता है कि अगर इसमें रशिया अपने ज़्यादा एडवांस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी कि लेज़र वेपन्स को इस्तेमाल करने की उम्मीद रखता हो क्योंकि ऐसे वेपन्स को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एक हाई कैपेसिटी वाला इंजन ही कर पाएगा।
लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं है कि रशिया का इंजन कितनी कैपेसिटी की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। इससे पहले ऐसी बातें भी चली थी कि हमारे तेजस एयरक्राफ्ट का एक स्टेल्थ वेरिएंट डेवलप किया जाना चाहिए जिसको तेजस मार्क 3 का नाम दिया जाना चाहिए। तेजस मार्क 3 एयरक्राफ्ट में एक इंटरनल वेपन बे को प्रपोज किया गया था। उसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने की बात डिफेंस सर्कल में की गई थी। कोरा में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसको बहुत सारे लोगों ने आंसर करने की कोशिश की थी कि एक तेजस मार्क 3 एयरक्राफ्ट जो कि एक प्योर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा वो कैसा होगा। लेकिन हम एक AMC फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं जो कि एक ट्विन इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है। और अगर हम एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की बात करें तो वो हमारे लिए अभी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास इतनी हाई कैपेसिटी थ्रस्ट वाला इंजन नहीं है और ऐसे इंजन को डेवलप करने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और अभी केवल हमें AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ही फोकस करने की ज़रूरत है जिसके लिए इंजन हमें कोलैबोरेशन में मिल सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।